been waiting for you, Richard. हेलो दोस्तों, हॉरर लैंड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं, इस मूवी का नाम है सेवेंस। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। पास्ट में की गई गवर्नमेंट की गलतियां फ्यूचर में नॉर्मल लोगों को किस तरह अफेक्टेड कर सकती है, क्या नॉर्मल लोग बाद में इन गलतियों को सुधार पाएंगे या फिर गवर्नमेंट का गुस्सा नॉर्मल लोगों पर ही उतरेगा, ये हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है ओल्गा और मेगी नाम की दो लड़कियों से, जो कि फॉरेस्ट में किसी से जान बचाकर भाग रही थी और उनके पीछे जॉर्ज नाम का एक आदमी भाग रहा था। लेकिन दोनों लड़कियां जॉर्ज से नहीं भाग रही थी, बल्कि कोई अनजान पर्सन उन तीनों को मारने के लिए उनके पीछे भाग रहा था। फिर गलती से ओल्गा और मेगी एक गड्ढे में गिर जाती है और जॉर्ज उनकी हेल्प के बिना वहां से भाग जाता है। ओल्गा और मेगी अपने कपड़े उतारकर उनको रोप बनाकर गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ जॉर्ज एक ट्रैप में फंस जाता है और एक आदमी चाकू से काट काट कर जॉर्ज को मार डालता है। उस आदमी का फेस हमें नहीं दिखाया जाता है और ओल्गा और मेगी के साथ में क्या हुआ था ये हम आगे देखेंगे। तो अब कहानी फिर पहले से डिफेंस मिलिट्री आर्म्स कॉर्पोरेशन कंपनी के कुछ कलीग्स की तरफ आती है, जिनके नाम में नाडिया, स्टीव, हैरिस, गॉर्डन, जिल, रिचर्ड, बिली और उनका बस ड्राइवर सैंडर। सभी पैलिसाइड कंपनी की तरफ से एक टीम बिल्डिंग मीटिंग के लिए हंगरी की एक लग्जरी होटल में जा रहे थे। उनको वहां पर भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज था, जिसे हमने कुछ टाइम पहले मरते हुए देखा था। जॉर्ज उनका बॉस था और वहां लॉज में उनका वेट कर रहा था और बस के टीम मेट्स का बॉस रिचर्ड था। गॉर्डन बस में एक नशीला मशरूम खा रहा था, जिसके बारे में वो नाडिया को बताता है। फिर अचानक उनकी बस रुक जाती है क्योंकि रोड के आगे एक पेड़ गिरा हुआ था और बस आगे इस रास्ते से नहीं जा सकती थी, तो इसलिए रिचर्ड ड्राइवर को फॉरेस्ट के बीच से एक दूसरा कच्चा रास्ता लेने को कहता है। लेकिन ड्राइवर ने उस रास्ते के बारे में बहुत ही बुरी बातें सुनी थी, तो इसलिए वो उनको उस रास्ते से नहीं ले जाने वाला था। रिचर्ड और ड्राइवर के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है और ड्राइवर सभी को उस बस से उतारकर वापस चला जाता है। हैरिस ड्राइवर के साथ वापस जाना चाहता था, लेकिन ड्राइवर उसके लिए नहीं रुकता है और मजबूरी में सभी को पैदल ही फॉरेस्ट के बीच से उस लॉज तक जाना पड़ता है। यहाँ पर मशरूम की वजह से गॉर्डन अजीब अजीब हरकतें कर रहा था और जब वो एक जगह पर यूरिन कर रहा था, तब हम वहाँ पर किसी डेड बॉडी को देख पाते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान वहाँ पर नहीं जाता है। नाडिया गॉर्डन के हाथ में एक रस्सी बांधकर अपने साथ में ले जाने लगती है। फिर फॉरेस्ट के बीच में उनको एक एनिमल की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वे लोग आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे से एक भालू गुजर रहा था, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं चलता है। फिर कुछ ही टाइम के बाद में सभी उस लॉज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लॉज कहीं से भी लग्जरी नहीं लग रहा था, ना ही उनको वहां पर वेलकम करने के लिए जॉर्ज था। और सभी बहुत ही गुस्सा हो रहे थे, लेकिन रिचर्ड सभी को वहां पर रहने के लिए मना लेता है। यहाँ पर मशरूम की वजह से गॉर्डन की हालत और बुरी होती जा रही थी और वो अलग अलग चीजों को हेलुसिनेट कर रहा था। हैरिस के कहने पर वो सोने के लिए चला जाता है और बाकी लोग उस जगह को अलग अलग होकर एक्सप्लोर करने लगते हैं। हैरिस यहाँ पर बेसमेंट जाता है, जहाँ पर कुछ फाइल और एक स्केलेटन उसे मिलता है। फाइल में कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन हैरिस वो पढ़ नहीं पाता है क्योंकि फाइल रशियन लैंग्वेज में लिखी हुई थी। दूसरी तरफ स्टीव एक गंदे स्विमिंग पूल के ऊपर कूद रहा था, जिस वजह से वो उस पूल में गिर जाता है। रिचर्ड यहाँ पर अपने रूम में था, तभी उस रूम के बाहर किसी के होने का उसे एहसास होता है। रूम के बाहर फ्लोर पर नाडिया के रूम तक खून के मार्क थे। वो रिचर्ड जब नाडिया के रूम में जाता है तो वो नेकेट सो रही थी। नाडिया रिचर्ड को इंटीमेट होने के लिए उसके पास में बुला रही थी और यह सुनकर रिचर्ड बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो नाडिया नहीं बल्कि हैरिस था, जो कि रिचर्ड के साथ में प्रैंक कर रहा था, और गुस्से में रिचर्ड हैरिस को चाकू से वार करके मार डालता है। अब एक पॉइंट पर हमें ऐसा लगता है कि किलर रिचर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं था, रिचर्ड ये सब सपना देख रहा था। अब रात को सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे थे। स्टीव उनके सामने एक पाई लेकर आता है और हैरिस, जिल, बिली और गॉर्डन उस पाई को खाने को लगते हैं और साथ ही उस जगह की हिस्ट्री की बातें भी करते हैं। हैरिस की स्टोरी कुछ इस तरीके की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ये लॉज एक असाइलम था और गवर्नमेंट को इस असाइलम की बहुत ही कंप्लेंट मिल रही थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था और पुलिस को वहां पर सब कुछ ठीक लगा था, बस वहां के पेशेंट कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे थे। असल में जो सेल में बंद थे वो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ ही थे और मेंटल पेशेंट सेल के बाहर डॉक्टर बनकर बैठे हुए थे। मेंटल पेशेंट्स पुलिस ऑफिसर को भी मार डालते हैं और तब गवर्नमेंट ने पैलिसाइड कंपनी को भेजा था उन पेशेंट्स को मारने के लिए। पैलिसाइड कंपनी ने एक पॉइजन गैस का यूज करके सभी पेशेंट को मार डाला था, लेकिन एक पेशेंट बच जाता है और उसका क्या हुआ ये किसको कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन लोगों का ऐसा कहना था कि वो पेशेंट पैलिसाइड कंपनी से नफरत करता है और मौका मिलते ही उनके वर्कर को मार डालता है, जिसके बाद में जिल उनको अपनी स्टोरी सुनाती है कि यहाँ पर रेशन वॉर के क्रिमिनल को रखा जाता था
जिनको गवर्नमेंट ने पेलिसाइड कंपनी के पॉइजनस गैस का यूज करके मार दिया था, क्योंकि वे क्रिमिनल सिटीजन को परेशान कर रहे थे और उनको चांस से मार रहे थे। उनमें से कई क्रिमिनल्स बच गए थे और आज भी वे लोग यहाँ पर फॉरेस्ट में रहकर उन लोगों को मार रहे हैं। अब गॉर्डन अपनी साइड की स्टोरी बताने लगता है कि वहाँ पर बहुत ही सेक्सी सेक्सी नर्सेस थी जो कि पेशेंट को सेड्यूस करती थी, और वो भी एक दिन उस हॉस्पिटल में गया था। उन नर्स ने उसको भी बहुत खुश किया था, लेकिन असल बात तो ये थी कि गॉर्डन की स्टोरी एक मजाक थी। अचानक गॉर्डन को पाई में से एक ह्यूमन का दांत मिलता है और उसे देखकर जिल, बिली, हैरिस और गॉर्डन के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वे लोग ही उसी पाई को खा रहे थे। सभी स्टीव पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन स्टीव ने उस पाई को नहीं बनाया था, उसे तो घर पर वो पाई मिला था और उसे लगा था कि जॉर्ज ने उनके लिए उस पाई को वेलकम गिफ्ट की तरह बनाया होगा। लेकिन रिचर्ड के मुताबिक जॉर्ज कभी भी उनके लिए वेलकम गिफ्ट छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसकी ऐसी आदत नहीं थी। स्टीव उस पाई को फेंक देता है और बाकी सभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं और सोने चले जाते हैं। रात को जब जिल पानी पीने के लिए उठती है तो उसे अपनी बॉडी पर एक स्पाइडर दिखाई देता है, जिसे वो विंडो के बाहर फेंकने जाती है, और अचानक उसे उसकी विंडो के पास के पेड़ में एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी को देखकर जिल चिल्लाने लगती है और सभी उसके रूम में आ जाते हैं। जिल सभी को उस आदमी के बारे में बताती है। लड़के बाहर चेक करने जाते हैं और उनको पेड़ में लेडर जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वहां पर कोई आदमी नहीं था। जिल अस्थमा की पेशेंट थी तो इसलिए नाडिया वहां से वापस चलने की बातें करती है, लेकिन रिचर्ड किसी को भी यहां से जाने से मना कर देता है। रिचर्ड जिल से प्रॉमिस करता है कि अगर अगले दिन भी जिल जाना चाहेगी तो कल आसपास के लोगों से कार का इंतजाम करके जिल को वापस भेज दिया जाएगा। फिर अगली सुबह भी जिल रिचर्ड से जाने की बात कहती है और तब रिचर्ड जिल और हैरिस को हिल की तरफ जाकर किसी कार के लिए मदद लाने को कहता है, और हिल की तरफ उनको नेटवर्क भी मिल जाएगा तो वे किसी को भी कॉल करके वहां पर बुला सकते हैं। अब हैरिस भी इस बात से खुश था क्योंकि उसे वैसे भी इस लॉज में नहीं रहना था। फिर उसके बाद जिल और हैरिस मदद के लिए हिल की तरफ जाते हैं और रिचर्ड बाकी सभी को टीम बिल्डिंग का एक गेम खेलने को कहता है। सभी लोग गेम खेलने में बिजी थे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिल और हैरिस पर कोई नजर रखे हुए था, वो दोनों बात करते हुए जा रहे थे कि तभी उनको उनकी बस बहुत ही खराब हालत में दिखाई देती है, जैसे कि उस बस को किसी ने अटैक कर दिया हो। बस के अंदर खून भी पड़ा हुआ था, लेकिन ड्राइवर वहां पर नहीं था और बस की चाबी वहीं पर थी। हैरिस चाबी अपने साथ में ले लेता है और कुछ दूर आगे जाने पर दोनों को ड्राइवर के डेड बॉडी के टुकड़े दिखाई देते हैं, जिसे किसी ने बहुत ही ब्रूटली मार दिया था। दोनों को समझ में आ जाता है कि इस जगह में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है और दोनों बस को लेकर लॉज की तरफ आने लगते हैं। फिर इधर बाकी लोग गेम खेलने में बिजी थे और सभी लोग मिलकर स्टीव को परेशान कर रहे थे। गुस्सा होकर जब स्टीव वहां से जा रहा था तो उसका एक पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है। बिली और गॉर्डन उस ट्रैप को खोलकर स्टीव के पैर को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से उन दोनों ने दो बार उस ट्रैप को फिर से स्टीव के पैर में फंसा दिया था, जिस वजह से स्टीव का पैर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और दर्द से स्टीव चिल्ला रहा था। नाडिया स्टीव के ब्लड को रोकने के लिए बिली के बेल्ट को उसके पैर पर जोर से बांध देती है और तब वहां पर जिल और हैरिस भी आ जाते हैं। वो दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी बातों को एक दूसरे से कहते हैं। सभी को समझ आ गया था कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है और वहां पर और भी कई सारे ट्रैप पड़े हुए थे। गॉर्डन स्टीव के पैर को बस के अंदर एक फ्रिज में रखना जाता है। वो पैर अंदर नहीं जा रहा था तो गॉर्डन उसके जूते को उतारकर उसके पैर को फ्रिज में रख देता है। अब बाकी सब स्टीव को उठाकर बस के अंदर लाते हैं और उसे अब हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही जरूरी था, नहीं तो उसका खून बहने के कारण वो मर भी सकता था। हैरिस बस को चलाने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुआ था, जो रोड पर एक ट्रैप रख देता है। उसे ट्रैप में फंसकर बस का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर रात तक जिल को होश आता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को होश में लाने की कोशिश नहीं करती है। वो बस से बाहर निकलती है। बस के बाहर हैरिस जख्मी पड़ा हुआ था और वो जिल से मदद मांगता है, लेकिन जिल उसकी मदद नहीं करती है और आगे बढ़ जाती है। फिर उसी टाइम वही किलर एक तलवार लेकर हैरिस के पास में आता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। हैरिस का सर दूर जाकर गिरता है और कुछ देर तक तो हैरिस का सर खुद उसकी बॉडी को देखता है। इधर जिल अकेले जंगल में आगे बढ़ रही थी और उसका सर को छोड़ भी लगी थी। वो कुछ देर तक तो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रही है, लेकिन जब तक उसे समझ में आता तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और किलर जिल को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ बस में सभी को होश आ चुका था। फिर किसी तरह खुद को संभाल कर सभी बस के बाहर आ जाते हैं। बाहर उनको हैरिस के सर कटी हुई डेड बॉडी दिखाई देती है और जिल भी वहां से गायब थी। बिली लॉज वापस जाने की बात करता है और यहाँ पर रिचर्ड जिल को आवाज लगा रहा था।
बिली उसे चुप कराता है और उनको समझ आ गया था कि यहाँ पर कोई किलर घूम रहा है, तो उनको चुपचाप उस किलर से बचकर रहना होगा। सभी लोग स्टीव को उठाकर लॉज की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि अब उनके लिए वही एक सेफ प्लेस थी। रास्ते में वे लोग जिल को देख नहीं पाते हैं क्योंकि किलर ने जिल का मुंह बंद करके रखा हुआ था और उसे एक पेड़ पर बांध दिया था। किलर फिर जिल के पास में आकर उसे रेशन में गाली देता है और वो उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जिंदा ही जला देता है। इधर बाकी लोग लॉज पर आ गए थे और सभी इस बात से परेशान थे कि ये सब कौन कर रहा है और क्या इस जगह को लेकर जिल और हैरिस की स्टोरी सही थी। लेकिन पहले सभी लोग लॉज के दरवाजे और खिड़कियों को लॉक कर देते हैं। गॉर्डन स्टीव को कुछ ड्रग खिला देता है ताकि उसे दर्द महसूस ना हो, लेकिन ये उनकी बहुत ही बड़ी गलती थी। जब वे सभी लोग बात करने में बिजी थे तो किलर स्टीव को अपना साथ में ले जाता है। स्टीव असल में ड्रग के नशे में था तो कुछ बोल भी नहीं पाता है और यहाँ पर नाडिया मेन रोड तक जाकर स्टीव के लिए हेल्प लाने की बात करती है, नहीं तो वो कुछ ही टाइम में मर जाएगा। अचानक उनको स्टीव के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तब जाकर उनको होश आता है कि स्टीव वहाँ पर नहीं है। उनको बेसमेंट की तरफ एक सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है जिससे वे लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उनको वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए एनिमल लटके हुए मिलते हैं और उसी टाइम पर उनको वहाँ पर कई सारे सेल भी नजर आते हैं, मतलब कि ये लॉज सच में एक असाइलम था। दूसरी तरफ किलर स्टीव को एक चेयर पर बांधकर टॉर्चर कर रहा था और वो उसकी चमड़ी को काट काट कर निकाल रहा था। अचानक उनको एक रूम के अंदर से आवाज आती है। रिचर्ड तो वहां से भाग जाता है लेकिन बिली और नाडिया उस दरवाजे को खोलते हैं जहाँ पर उनको स्टीव मरा हुआ मिलता है और उसी टाइम पर किलर बिली पर गोली चला देता है। नाडिया को बचाने के लिए बिली उसे लेकर पास के एक रूम में छुप जाता है लेकिन कुछ ही देर में बिली मारा जाता है। गॉर्डन बेसमेंट से बाहर आकर रिचर्ड को आवाज लगाता है लेकिन रिचर्ड गॉर्डन को देखकर भी उसकी तरफ नहीं जाता है। अब रिचर्ड लॉज से फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है और गॉर्डन भी उसे भागते हुए देख लेता है। किलर को आता देखकर गॉर्डन एक अलमारी में छुप जाता है और किलर पूरे घर में उनको ढूंढ रहा था। उसी टाइम पर किलर को मारने के लिए नाडिया किलर की तलवार लेकर उस रूम तक आ जाती है लेकिन फ्लोर के टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब वो किलर नाडिया को गोली मारने वाला था कि तभी गॉर्डन एक तलवार किलर के आप पर कर देता है। वो मौके का फायदा उठाकर नाडिया किलर को शूट करके उसे जान से मार डालती है। दोनों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन जब वे लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर वेब कैसर किलर थे जो कि उनको मारने के लिए खड़े हुए थे। उनमें से जिल एक किलर को मार डालती है और वो बाकियों को गन पॉइंट पर रखकर गॉर्डन के साथ में जंगल की तरफ भाग जाती है। किलर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं लेकिन वे दोनों रुकते नहीं, भागते जाते हैं। फिर इधर जंगल में अनजाने में रिचर्ड एक माइन पर अपना पैर रख देता है। अगर अब उसने उस माइन से पैर हटाया तो उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, तो इसलिए रिचर्ड माइन के ऊपर वैसे खड़ा रहता है। वहां पर भागते हुए नाडिया और गॉर्डन भी आ गए थे। रिचर्ड उनको माइन के बारे में बताता है और उनको आगे बढ़ने के लिए मना करता है। रिचर्ड उनको माइन के बीच से सही रास्ता दिखा देता है और नाडिया और गॉर्डन के आगे बढ़ते ही रिचर्ड किलर का ध्यान अपनी तरफ ले लेता है। लेकिन किलर को पता था कि वहां पर माइन थी तो इसीलिए वे लोग रिचर्ड के पास में नहीं जाते हैं। फिर इस तरफ नाडिया और गॉर्डन उनके असली लग्जरी लॉज तक आ गए थे और गलत रास्ते पर जाने की वजह से इतने दिनों से वे लोग एक गलत घर में रह रहे थे और उस घर में और कोई नहीं, जॉर्ज, मैगी और ओल्गा थे। मतलब कि मूवी की शुरुआत में जो हमने जॉर्ज को मरते हुए देखा वो पास्ट नहीं बल्कि फ्यूचर में होने वाली इंसिडेंट थी। जॉर्ज तो इस लॉज में ओल्गा और मैगी के साथ में एंजॉय कर रहा था, उसे तो किलर के बारे में कुछ पता भी नहीं था। नाडिया और गॉर्डन को जॉर्ज से पता चलता है कि पास ही में एक लेक है जहाँ पर जॉर्ज की बोट खड़ी हुई है और वहां से वे लोग भाग सकते हैं। गॉर्डन कुछ हथियार अपने साथ में ले लेता है और सभी उस लेक की तरफ जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। इस तरफ किलर को पता चल चुका था कि नाडिया और गॉर्डन रियल लॉज की तरफ गए हैं और सभी किलर उसी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रिचर्ड वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। नाडिया और गॉर्डन को बचाने के लिए रिचर्ड उस माइन से अपना पैर हटा देता है और उसी ब्लास्ट में कुछ किलर मारे जाते हैं। यहाँ पर वे किलर अब जॉर्ज की लॉज तक आ गए थे। जॉर्ज अपना एक रॉकेट लॉन्चर उठाकर किलर की तरफ फायर करता है लेकिन जॉर्ज का निशाना इतना ज्यादा बुरा था कि किलर को मारने के बजाय वो एक प्लेन को ब्लास्ट कर देता है। उनके पास और कुछ सोचने का टाइम नहीं था और किलर को देखकर सभी अलग अलग भागने लगते हैं। अब मूवी शुरुआत की तरफ आती है जहाँ पर ओल्गा और मैगी एक गड्ढे में गिर जाते हैं और जॉर्ज किलर के हाथों मारा जाता है। गॉर्डन और नाडिया भी वहां पर अलग हो चुके थे और दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। नाडिया एक ट्रैप में फंस चुकी थी और नाडिया को बचाने के लिए गॉर्डन और किलर के बीच में फाइट होती है। गॉर्डन किलर का ही चाकू उसके प्राइवेट पार्ट में घुसा देता है। फिर इस तरफ एक किलर नाडिया का रेप करने की कोशिश कर रहा था और दूसरा किलर गॉर्डन को मारने में लगा हुआ था। नाडिया किलर का गला काट लेती है
और एक पत्थर से उस किलर के सर को क्रश करके उसे मार डालती है। गॉर्डन ने भी एक किलर को शूट करके मार दिया था, लेकिन दूसरे किलर को मारने के लिए उसकी गन में गोली नहीं थी। दूसरा किलर गॉर्डन के सीने में चाकू मार देता है और तब गॉर्डन उस किलर के प्राइवेट पार्ट में चाकू पूरी तरीके से घुसाकर उसे मार डालता है। अब इस तरफ नाडिया को एक और किलर दिखाई देता है और वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ गॉर्डन को दोनों लड़कियां मिल चुकी थी जो कि अपने कपड़ों को रस्सी बांधकर निकलने की कोशिश कर रही थी। इधर नाडिया एक फैक्ट्री तक आ गई थी और वहां पर पेलिसाइड कंपनी के कई सारे बॉक्स पड़े हुए थे। तब तक वहां पर किलर आ चुका था और नाडिया और किलर आमने सामने खड़े हुए थे। किलर नाडिया को आंख लगाकर मारने की कोशिश कर रहा था और नाडिया अपनी जान बचाकर भाग रही थी। किलर से बचने के लिए नाडिया फर्स्ट फ्लोर से नीचे जंप लगा देती है जिससे कि वो जख्मी हो जाती है। किलर नाडिया को मारने वाला था कि तभी वहां पर गॉर्डन ओल्गा और मैगी के साथ आता है। ओल्गा किलर को शूट करके मार डालती है और फिर उसके बाद में वे सभी जॉर्ज की बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ में ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी की स्टोरी अगर समझी जाए तो हैरिस और जिल दोनों की स्टोरी असली थी। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बहुत सारे लोग क्राइम करने लगे थे जो कि लोगों को मार रहे थे और उनको परेशान कर रहे थे और वहां की सरकार ने उनको असहाय में बंद कर दिया था, लेकिन उन कैदियों ने किसी तरह डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ को पागल बनाकर सेल में बंद कर दिया। फिर कंप्लेंट मिलने पर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को भेजा, लेकिन उनको भी उन क्रिमिनल ने मार दिया। और तब गवर्नमेंट ने पैराडाइज कंपनी के पॉइजन गैस से असाइलम के सभी क्रिमिनल को मार डाला, लेकिन उनमें से कुछ क्रिमिनल बच गए। पैलिसाइड कंपनी से जो भी वहां पर आता था वे लोग उनको ब्रूटली मार देते थे, लेकिन मूवी के आखिर में नाडिया, ओल्गा, मैगी और गॉर्डन के हाथों सभी क्रिमिनल मारे गए और बचकर वहां से निकल गए।